कौन सी सबको क्यों मिलना है, क्या है आप, हम चाहते हैं कि वायरल करे, करोड़पति से करोड़पति। अरे यार करोड़पति करोड़पति, अब क्या हम बोलेंगे कि पवन जी के सेहत पर फर्क पड़े। और जब तक दीपक सिंह इस धरती पे जिंदा है, मैं पवन जी के पास मैसेज गया, मैं ब्रांड एम्बेसडर देसवा न्यूज कहाँ से साला पैदा हुई कहाँ, पवन सिंह सुपर स्टार है। अच्छा दीपक सिंह जी, पवन सिंह जी को कौन सा अंदरूनी बीमारी है, क्या कि पूरा एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग है कि पवन सिंह को बीमारी है? अंदरूनी बीमारी तो ज्योति सिंह ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था एक बीमारी है। अच्छा किसी को खांसी सर कुछ भी, आप कुछ भी अगला बोल सकता है ना, अंदरूनी बीमारी इसको टाइटल बनाया गया था, हम भी सुने थे उसको, उन्होंने बोला, हम भी पूछे भी थे उनसे, बात भी थे, बोले अंदरूनी बीमारी। अच्छा कोई बीमारी रहेगा तो लोग 20 घंटा काम करेगा? आप लोग बताइए, ये तो सवाल अभी है। 90-92-94 किलो के पवन सिंह है, इतना बीमारी है या जितना चीज वो इतना कर रहे हैं भैया, और ज्योति सिंह और जो लोग भी हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि क्या बीमारी है। भैया बबीता मिश्रा ने कहा है कि मेरी, मैंने पवन सिंह को मैसेज किया है, उनसे बात किया है, और अगर कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं समय आने पे वो सारी चीजें वायरल करूंगी जो स्क्रीनशॉट है। मैं कहता हूँ कि वायरल करें। क्या सच में पवन जी से उनकी बातें हुई है, मैसेज की है? तो अच्छा कोई मैसेज करेगा तो अगला इगोइस तो है नहीं, घमंडी तो है नहीं कि आपका जवाब नहीं देगा, मैसेज की है जवाब, हम चाहते हैं कि वायरल करें, वायरल वो करें को क्या बात, पवन सिंह साहब को क्यों मिलना है, क्या है आप, इंटरव्यू लेंगे नहीं देंगे इंटरव्यू, उनकी मर्जी है ना भाई, उन्हें चाहे नहीं दें, आप जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं लेंगे तो वो भाला खोप देंगे, कोई मतलब सीट के लिए जाऊंगी बोल रहे हैं, जो महिलाओं का अपमान करेगा वो चाहे पवन सिंह हो चाहे कोई हो, उनको कोर्ट तक घसीट दूंगी, ये उनका कहना है। अच्छा अनुपमा यादव ने पवन सिंह जी के बारे में कुछ शब्द बोल दिया, उसके बाद अनुपमा यादव भी ट्रोल होने लगी हैं, और अनुपमा यादव के बारे में तो बबीता मिश्रा क्या दे रही है, वो नचनिया है बजनिया, उसकी क्या औकात है? अच्छा जब वो गाना गाती थे तो वो भी नाचती होंगी, उनका भी एल्बम आया है ना, एकदम है। आप किसी कलाकार को नचनिया बोल रहे हैं, ये आपका संस्कार झलकता है कि आप कैसे, उनका बात करने से आपको नहीं समझ में आता है कि क्या संस्कार है उनका, करोड़पति से करोड़पति। अरे यार करोड़पति करोड़पति, अब क्या हम बोले उनको? अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि भोजपुरी समाज है उसको भी, अनुपमा को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है, देखिए हम बता देते हैं, अनुपमा एक अच्छी सिंगर है, अच्छे फॉलोअर है, हर उन लोगों को ट्रोल किया जाएगा, हर उन लोगों को जिससे उनका व्यूज बढ़े। आप जब मेरे बारे में बात हो रहा था, आप देख रहे कितना फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है चेहरे पे। अच्छा बबीता मिश्रा को आपसे क्या ऐसी नाराजगी है कि आप, क्या आपने कभी उनसे बात हुई थी? आज तक हम उनको पहचानते ही नहीं है, कौन है बबीता मिश्रा? ज्योति सिंह का इंटरव्यू घूम के लेते चलते थे, देखेंगे बबीता मिश्रा है। अच्छा उन्होंने देख के तो हंसे पर इंटरव्यू में, फिर मेरी बात भी हुई उनसे, बात नहीं हुई जिससे बात करना था बात हुई। आप दूसरे को, आपको पवन सिंह से मिलना, क्यों मिलना है भाई, क्या क्या मिलिएगा आप, मिलना है तो पवन जी से ना, उनको लग रहा है कि पवन जी से हम मिलने नहीं दे रहे, आप बताओ। रिंग है रिंग तमीज, आप कुछ भी आके सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोले, आप लोग जानते हैं मेरे बारे में बेहतर, वही फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर बोला जा रहा है या आपके ऊपर उतार रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखिए पवन जी के हम दोस्त हैं, और दोस्त होंगे तो बहुत सारे ट्रोल किए जाएंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे बबीता मिश्रा को बताने का जरूरत नहीं है कि मैं करोड़पति था कि करोड़पति था। अच्छा दीपक सिंह जी, बबीता मिश्रा ने तो आपके ऊपर भी सवाल उठाया, पवन सिंह जी के भी ऊपर सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने भोजपुरी समाज के ऊपर भी सवाल उठाया, भोजपुरी टोचपुरी ऐसे वर्ड का उन्होंने उच्चारण किया है, इससे समझिए कि वो क्या है। अच्छा देखिए कितना व्यूज गया है जी, वो गाना गाया था कितना साल, 3-4 महीना, 3-4 महीना में 176 को व्यूज गया है गाने का, तो भोजपुरी को गाली नहीं देंगे, मान लीजिए भोजपुरी है क्या ना ऑडियंस देखेगा उनका गाना, अब 176 को मैं, 176 को मैं 80-90 उनका परिवार देखा को उनका उनका हित नाता देखा होगा, रिलेशन वाला सब देखा होगा, सब तो घरे वाला देखा होगा, बाहर के लोग देखा नहीं होगा, देखिए क्या है, अनुपमा को भी जो ट्रोल किया जा रहा है ना, अनुपमा बहुत पेशेंस रख रही है लड़की, अच्छा है ना, क्यों बोलना, क्यों बोलेगी वो लड़की कि उसको 30 दिन में 28 दिन अगला काम करता है, 2 दिन वो भी रेस्ट करता है बिना मतलब का कि हाँ वो रेस्ट करना है तब रेस्ट मिलता है, उस लड़की के पास 30 दिन में 30 दिन काम, तो अनुपमा के बारे में बोलने से उसको कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, और ट्रोल तो हो गए ना, मान लीजिए जो पवन जी के बारे में बोलेगा आप बोल के देखिए आप भी ट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा उस इंटरव्यू में तो उन्होंने औकात की भी बात कर दी है, अपना ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि इतना में तो तुम्हारा खानदान 2-3 महीने तक खाते रह जाएगा,
ब्रेसलेट ओरिजिनल है डुप्लीकेट, हम तो बड़ी ध्यान से देख रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि आपके हाथ में भी एक ब्रेसलेट है। अरे ये ब्रेसलेट मेरा, वो ब्रेसलेट दिखा रहे थे, क्या मतलब हंसी भी आता है गुस्सा भी आता है, हंसी इस बात पे आता है। आप पवनी के पास मैसेज गया, मैं ब्रांड एम्बेसडर देसावा न्यूज कहाँ से साला ये पैदा हो गई, कहाँ से हमको पते नहीं है कौन देसा, ये पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर उठा उठा करके देसवा न्यूज देसवा। चलिए भगवान करे बबीता मिश्रा जी कोई भी को मौका मिलता है आगे बढ़ने का, वो मौका अपना ढूंढता है, मौका अपना खोज रही है, और उनको भी समय मिला है ज्योति सिंह को पकड़ के, उनके पापा का तबीयत खराब है जाके बुलवा रही है, जैसा लग रहा है कि एकदम कितनी बड़ी एंकर है, कौन सा कोर्स की है, भगवान करे उनको मौका है। हम लोग को समझना है ना, लोग तो रोटी सेकेंगे ही ना, अब हम लोग को समझना है कि हम लोग इनसेंट ज्योति सिंह और पवन जी को कि आप लोग कितना रोटी सेकवाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग होंगे ना तो बनता काम को बिगाड़ेंगे, हर लोग जो आगे बढ़ना चाहेगा उसको लोग पीछे ढकेल दे रहे, क्योंकि लोग का जितना दिन इन लोग में कंट्रोवर्सी चलेगा ना उतना दिन इन लोग उसी तरह का बात करेंगे, कि मतलब जितना दिन दोनों में टेंशन होता रहे तब इनका रोटी चलता रहेगा, दाल रोटी चलता रहेगा। अच्छा भैया पवन जी की टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं, इल्जाम सिर्फ दीपक सिंह पे क्यों लगता है कि घर दीपक सिंह ही तोड़ना चाहते हैं? जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदल रहा है, तो हो सकता है कि अच्छा आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए दो एक सुंदर लड़की और एक उससे खराब लड़की, चाहे दो लड़का ही लीजिए, लड़की का बात छोड़िए, एक स्मार्ट लड़का और एक खराब लड़का जा रहा है, कभी आप स्मार्ट लड़का से सुने हैं बोलते हुए कि ये खराब है? नहीं, हम अच्छे हैं ये खराब है, इसलिए नहीं बोलेगा, पब्लिक जान रही है ना कि हम अच्छे हैं, वो खराब है बेचारा, वो बार बार बोले खराब है, तो हमको जानबूझकर ट्रोल किया जाता है, इसलिए ट्रोल किया जाता है कि पवन जी के सेहत पर फर्क पड़े, और जब तक दीपक सिंह इस धरती पर जिंदा है, मैं आज इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कोई भी दुनिया में कोई भी आ जाए हम लोग को कुछ देर के लिए अलग कर सकता है, लेकिन दिल से हम लोग को अलग नहीं कर सकता है, दोनों का दिल एक ही है और एक ही में प्राण बसता है, और कितना भी बुरे आदमी हो जाए एक दूसरे से हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं, आप लोग लाख चाह करके भी अलग करना चाहें, ये रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग ये हो, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग की सेहत को कोई फर्क पड़े, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा आज काम नहीं कर रहे होते तो आज भोजपुरी में आप देखिए 5 जनवरी का जो बर्थडे आ रहा है, कितनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ हम लोग लेकर के आ रहे हैं, पवन सिंह सुपर स्टार है, ये बोलने का जरूरत नहीं है हम लोग, हर लोग बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ हाँ